बिग बॉस सीजन 13 कितनी बड़ी कामयाबी के बाद सीजन 14 को लेकर मेकर्स काफी एक्साइटेड हैं और इसे सीजन 13 से भी ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं। और जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और टीवी सीरियल्स वगैरह की जो शूट शुरू हो चुकी है उसके बाद तो मेकर्स और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और लगातार सेलिब्रिटीज के कॉन्टेक्ट में है। और इसके साथ ही इसके बीच में शो से लेकर काफी सारी खबरें सामने आई है, जैसे कि इस बार कॉमनर्स भी हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ इस बार सीजन में होगा लॉकडाउन का तड़का और बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी इस बार कंटेंडर्स को। और इसके साथ ही साथ कई सेलिब्रिटीज के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और नई ताजा अपडेट सामने आई है और वो अपडेट ये है कि आखिर कौन इस शो में हिस्सा नहीं ले सकता है। जी हाँ, वैसे तो मेकर्स हमेशा यही ट्राई करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन उनके शो पे हो और शो में चार चांद लगा दे, लेकिन इस बार तो मेकर्स चूजी हो गए हैं और लोगों को बिग बॉस के घर में एंट्री देने के लिए भी उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए हैं। आपको बता दें कि घर में एंटर होने से पहले इन कंटेंडर्स को 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और उसी के साथ जो अपडेट सामने आई है वो ये है कि वो कंटेंडर्स, वो सेलिब्रिटीज जो कि 2020 में विदेश यात्रा करके वापस भारत लौटे हैं, उन्हें इस बार सीजन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जो लोग इस साल में कहीं भी बाहर नहीं गए हैं, सिर्फ इंडिया में रहे हैं, उनको तो बेशक घर में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन जो बाहर से आए हैं यानी कि बाहर अदर कंट्रीज में घूम के आए हैं, इस साल में उन्हें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तो कैसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे सीजन 14 को लेकर, इस न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।